नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज दास और आप देख रहे हैं मनोज दास मोर पेन मोर गेन। फैट लॉस प्रोग्राम में आज डे 15 है और आप देख पा रहे हैं जो पिछले वाला वीडियो, ये मैं साइड में दिखा रहा हूँ, पीछे वाला जो वीडियो था उससे आज को अगर कंपेयर करेंगे तो फैट लॉस कितना हुआ है वो आप खुद देखिए। आप देख पा रहे होंगे कि ये लाइन क्लियर है, ये लाइन क्लियर है और ये लाइन क्लियर है। अब भी क्लियरिटी उसको और बाकी है, बट थोड़ा थोड़ा दिख गया है और ये वाला बीच वाला लाइन भी आना चालू हो गया है, दिख गया है। अभी बीच वाला लाइन आएगा और ये वाला लाइन यहाँ तक क्लियर होगा। ये बहुत टेढ़ी खेल है, जो आपका लोअर बेली है वो बहुत लेट जाता है, इतना जल्दी वो जाता नहीं है। उसके लिए थोड़ा सा हमें स्ट्रैटेजी में चेंज करना पड़ेगा, एक्सरसाइज में चेंज करना पड़ेगा, तभी हमें उस लोअर बेली को हम तोड़ पाएंगे। मैक्सिमम जिन जिन लोगों का लोअर बेली रुक गया आके, तो उनको मैक्सिमम लेग राइजेस एक्सरसाइज करना चाहिए, हैंगिंग लेग राइजेस, स्लिपिंग लेग राइजेस, ये सब करने से आपका लोअर बेली जल्दी जाएगा। आज है टीचर्स डे और संडे है, तो टीचर्स डे के लिए मैं मेरा जो गुरुजी है उनको डेडिकेटेड करना चाहूँगा, जो मेरा ट्रेनर है अनिल रविंद्र भैया, तो उनको मैं डेडिकेटेड करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच भैया, आपके लिए मैंने ये फैट लॉस कर पा रहा हूँ, या जो भी एक्सरसाइज या डाइट मैंने सीखा है वो आपसे सीखा है। ऐसे ही आप मेरे साथ हमेशा टच में रहे, मैं आपके साथ हमेशा टच में रहूँ, हमारा जो रिलेशन एक बॉन्डिंग बनी है वो हमेशा रहे, तो थैंक यू सो मच। तो आज संडे है, आज हम वर्कआउट नहीं करेंगे क्योंकि एक दिन बॉडी को रेस्ट चाहिए, रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन कुछ ज़रूरी बातें करेंगे। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, डाइट आपका 70% हेल्प करेगा आपका फैट लॉस में, तो हमेशा अपना डाइट क्लीन रखें, जैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है और रेगुलर डालता हूँ, वो डाइट को फॉलो करें। इसमें कुछ चेंजेस आप कर सकते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ, सुबह मैंने डाला ओट्स प्लस अंडे, आप ओट्स की जगह दलिया ले सकते हैं, या दो स्लाइस आपने ब्राउन ब्रेड लिया उसमें पीनट बटर लगाया उसको खा सकते हो। रात को मैंने जैसे बॉयल्ड वेजिटेबल डाला, तो वो बॉयल्ड वेजिटेबल को आप रेगुलर बेसिस में चेंज कर सकते हो। तो जो वेजिटेरियन है वो पनीर के जगह कभी टोफू ले लिया, या टोफू के जगह कभी सोयाबीन चाप ले लिया, तो कुछ ना कुछ चेंजेस आप करते रहो ताकि आपको टेस्ट भी बने रहे और आप रेगुलर बेसिस में इसको कंटिन्यू भी कर पाओ, पहला बात। सेकेंड, आपका वर्कआउट का स्ट्रैटेजी क्या रहेगा, रेगुलर 3 से 4 किलोमीटर आप रनिंग करें। रनिंग का स्पीड माराथन जितना स्पीड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत नहीं है। आपको बेसिकली आपका ब्लड सर्कुलेशन को तेज़ करना है, आपका रेस्पिरेशन को तेज़ करना है, क्लीन करना है और हार्ट बीट को तेज़ करना है। इससे क्या होगा कि आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा और फैट लॉस बहुत जल्दी होगा। जब वो आप वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट का टाइम आप फिक्स कर लीजिए, सुबह शाम जब भी आप करते हैं, छत पे, मैदान में, घर पे, जिम में, जहाँ पे भी करते हैं, उस टाइम में उस प्लेस पे आप पहुँच जाइए। आप सबसे पहले कोई भी 4 सेट कार्डियो एक्सरसाइज कीजिए, जो जो एक्सरसाइज में कार्डियो एक्सरसाइज करता हूँ उनमें से कोई भी 4 सेट आप कर सकते हो, रेगुलर बेसिस में रिपीट कर सकते हो। कार्डियो एक्सरसाइज का मेन मकसद ये है कि आपका बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन हाई करेगा, आपका रेस्पिरेशन हाई करेगा, रेस्पिरेशन को क्लीन करेगा और आपका हार्ट पंपिंग ज़्यादा करेगा, जिससे क्या होगा कि आपका मेटाबॉलिज्म हाई हो जाएगा। 15 से 20 मिनट में आपका बॉडी उस पिक पोजीशन में पहुंच जाएगा जहां से फैट लॉस शुरू कर देगा। और बहुत सारे लोग 15-20 मिनट वर्कआउट करके छोड़ देते हैं, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि उससे बाद वर्कआउट कंटिन्यू रखें, क्योंकि अभी आपका बॉडी फैट लॉस करना शुरू किया है, तो अभी अगर आप बंद कर देंगे तो आपने कोई बेनिफिट नहीं उठा पाया। कार्डियो वर्कआउट करने के बाद आपको क्या करना है, एक दिन फ्रंट बेली, एक दिन साइड बेली, एक दिन लोअर बैक का वर्कआउट करना है। मान लीजिए मंडे आपने किए फ्रंट बेली, ट्यूसडे आपने किए साइड बेली और वेडनेसडे आपने किए लोअर बैक, तो फिर फ्रंट बेली का बारी कब आया, थर्सडे को, यानी 2 दिन इसको गैप भी मिल गया। तो गैप मिलने से, मसल को रेस्ट मिलने से आपका इंप्रूवमेंट बहुत जल्दी होता है, फैट लॉस बहुत जल्दी होता है। तो ये स्ट्रैटेजी आप अपनाएं, सबसे पहले 4 सेट कार्डियो, फिर फ्रंट बेली एक दिन, फिर साइड बेली एक दिन, फिर लोअर बैक एक दिन, फिर फ्रंट बेली, साइड बेली, लोअर बैक, ऐसे राउंड में आपका एक्सरसाइज चलता रहेगा। उसके बाद कोई भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्कआउट एक एक्सरसाइज आप कीजिए, मान लीजिए आपने चेस्ट मारे, बाइसेप मारे, ट्राइसेप मारे या बैक, जो भी है एक एक्सरसाइज आप जरूर करें। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्कआउट इसलिए ज़रूरी है, जैसे मैंने पहले बताया, आप फैट लॉस तो कर लेंगे लेकिन फैट लॉस के बाद आपका मसल लूज हो जाएंगे, आपका स्किन लूज हो जाएगा, आपको हैंगिंग चेस्ट मिलेगा फैट लॉस के बाद और हैंगिंग लोअर बेली मिलेगा। अगर साथ के साथ आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्कआउट करेंगे तो आपका हैंगिंग चेस्ट और हैंगिंग लोअर बेली का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, आपका बॉडी बहुत मस्कुलरिटी लगेगा जब फैट लॉस हो जाएगा। तो आपको 3 चीज़ करना है, क्या क्या, कार्डियो, बेली वर्कआउट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, तीनों चीज़ साथ साथ रेगुलर करते रहिए। जो लोग पार्टनरशिप पे वर्कआउट कर रहे हैं उन लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग, जो लोग सक्सेसफुल हो उनके बात मैं कर ही नहीं रहा हूँ, जो लोग फेलियर हो रहे हो पार्टनरशिप में
आपका मेन कारण फेल्योर होने का पार्टनर भी हो सकता है। तो पार्टनरशिप में वर्कआउट करना छोड़ दे, आप अकेले एक्सरसाइज करने का आदत डाल दे, ताकि आपका ना डिपेंडेंसी नहीं रहेगा। सुबह आपका पार्टनर का तबीयत खराब है तो आप भी मन नहीं किया, यार वो नहीं जाएगा तो मैं क्यों जाऊँ, कल चले जाएंगे, कल कभी नहीं आता। और एक दिन गैप होने का मतलब आप सेकेंड डे बिल्कुल नहीं जाओगे। तो पार्टनर का भरोसे में आप मत बैठिए, आज अगर वो नहीं जा रहा है तो आप जाइए रेगुलर, आप सोलो वर्कआउट करने का आप अपना आदत डाल दीजिए, ताकि आपके ऊपर आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहोगे, आपने गए अपना वर्कआउट किया और घर आए। फोर्थ चीज़ जो बहुत बड़ी सवाल है आपके मन में आ रहा है, कितना दिन में मेरा फैट लॉस हो जाएगा, कितना दिन लगेगा मेरा फैट लॉस होने में, वो सवाल आप अपने आपसे पूछिए, किसी और से नहीं। किसी सोशल मीडिया से क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा, किसी ट्रेनर से क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा, अपने आप में ये क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में बताते हैं कि 7 दिन में फैट लॉस हो जाएगा, 10 दिन में फैट लॉस हो जाएगा, ऐसे नेचुरली पॉसिबल नहीं है। फैट एक बहुत नेचुरल चीज़ है, तो वो बहुत सालों से जमा हुआ है और इसको जाने में भी टाइम लगेगा। एकदम से आप चलोगे कि चुटकी मारूं और स्विच दबाऊं कि फैट लॉस हो जाए, ऐसे पॉसिबल नहीं है, इसको टाइम लगेगा। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, रेगुलर वर्कआउट और डाइट पर फोकस डालना पड़ेगा, तभी आपका फैट लॉस हो पाएगा। फिफ्थ पॉइंट, अपना डाइट पे जितना नेचुरल चीज़ आप ऐड करेंगे उतना ही जल्दी आपका फैट लॉस होगा, उतना ही जल्दी आपका रिजल्ट मिलेगा, उतना जल्दी आपका बॉडी एक वी शेप में, एक मस्कुलर शेप में नजर आएगा। नेचुरल चीज़ क्या है, जैसे सलाद है, सलाद को ना पानी में उगालने की जरूरत है, ना उसको जलाने की जरूरत है, ना इसको पकाने की जरूरत है, डायरेक्ट खाते हैं। तो ऐसे डायरेक्ट जो चीज़ खा सकते हैं, स्प्राउट्स, सलाद, फ्रूट्स, नट्स, ग्रेन्स, इस पे ज़्यादा डिपेंडेंसी हो जाइए आप। जितना नेचुरल डाइट पे आप रहेंगे उतना जल्दी आपका फैट लॉस होगा और उतना जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। सिक्स पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो लोग अमीर लोग हैं आपने देखे होंगे ये सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। फ्रूट्स खाना, बादाम खाना, काजू खाना, ये गरीब लोगों के बस की नहीं है, क्योंकि इतना पैसा नहीं होता उनके पास। अमीर लोग सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, और सबसे ज़्यादा बीमार कौन पड़ता है, अमीर लोग ही सबसे ज़्यादा बीमार रहते हैं। गरीब को कभी देखा नहीं होगा कि हार्ट अटैक आ गया, नहीं होता, क्योंकि वो लोग रेगुलर बेसिस में हार्ट को पंप कर रहे हैं, एक्सरसाइज हो रहा है, जब वो काम कर रहे हैं तो उनका एक्सरसाइज हो रहा है, उनके पसीना बह रहा है। तो आप भी कितने अमीर हो, कितने पैसा आपके पास हो, आपको बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बॉडी को चाहिए रेगुलर वर्कआउट, रेगुलर पसीना बहाना, रेगुलर आपका हार्ट को पंप करना, आपका ब्लड सर्कुलेशन को पंप करना। तो आप चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, आप ये मानना चाहिए कि 1 से 2 घंटा आपका पसीना बहना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने अमीर हो, आपका बैंक बैलेंस कितना है, आपका बॉडी को कोई लेना देना नहीं है। बॉडी को चाहिए रेगुलर आप मेहनत करें, पसीना बहाएं, वर्कआउट में ये चीज़ पॉसिबल है तो रेगुलर वर्कआउट करें, डाइट पे फोकस करें, एक्सरसाइज करें। ऑल द बेस्ट, जितने लोगों भी फैट लॉस करना चाहते हैं मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपना डाइट पे 100% फोकस डालें। डाइट आपका 70% आपका फैट लॉस में मदद करेगा, उसके बाद वर्कआउट अगर एक दिन छूट जाता है तो कोई बात नहीं, बट डाइट पे अपना 100% फोकस डालें। आप एक दिन बना सकते हो जिसमें आप चीट मील ले सकते हो, थोड़ा बहुत चीट कर सकते हो। जैसे आज संडे है, मैंने चावल और जो घर पे बनी थी चिकन वो खाया, बट कल से मैं फिर अपना रेगुलर डाइट पे आ जाऊंगा। तो रेगुलर बेसिस में आप अपना डाइट पे फोकस करें, एक दिन चीट कर लेंगे तो कोई बात नहीं। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर।